करते हैं, उन्होंने लिखा कि उत्तराखंड में जगन्नाथ जी का दर्शन करने वो पहुंचे हैं, तो स्वाभाविक एक जिज्ञासा ये कहा क्या कैसे मंदिर है, इसको थोड़ा समझा। फिर जो आए थे एक साल पहले जिसे बात हुआ था, हाँ, हमारा पारजू जी साहब, हाँ, जो हमारा, हाँ, जगन्नाथ जी के मंदिर के मुख्य पुजारी है, हाँ, वो जैसे बताए कि उनका लड़की का यहाँ पे पढ़ाई के लिए वो आए थे देहरादून में, हाँ, आंटी का आवाज सुने आए, उस टाइम में कैसे माहौल था, अभी एक साल में कैसे क्या चीज बदलाव आया है? देखो बदलाव तो हाल ही में आया है, वो जो जय ढोल देवता, जय इष्ट देवता। जो यहाँ भव्य कार्यक्रम हुआ, मैं सब्यसाची जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, जिन्होंने अपनी सपत्नी सहित यहाँ आए और मीडिया के थ्रू जो प्रचार प्रसार किया, इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, और अपनी सरकार धामी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, जिन्होंने यह बात संज्ञान में लेके इस पर कोई पक्ष न रखते हुए जिन्होंने यह बात ली है, और हमारे भगवान श्री जगन्नाथ जी जो गुप्त रूप में थे, जो विष्णु रूप में हैं, उनका जो मंदिर का जो निर्माण, जो पूरे हमारी वर्मा घाटी का जो पर्यटन के रूप में लेने का जो उन्होंने जो निर्णय लिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और बहुत बहुत अपनी पूरी जनता, पूरी ग्राम सभा कार्ड, पूरी वर्णा घाटी की ओर से उनका बहुत बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद करती हूँ। गंगा मैया की, यमुना मैया की, बद्री विशाल भगवान की, गो माता की, सभी भक्तों की, जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं जगन्नाथ जी के चरणों में, आपकी कृपा से, आपके चरणों की धूल से हम लोग आज सब यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं, और मेरे क्षेत्र का विकास हो, मैं सभी लोगों को, सभी मेरे भाई, सभी मेरे बड़े बुजुर्गों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन, और श्री जगन्नाथ जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, कि मेरे भाग्य में भी ये आज कुछ काम लिखा हुआ था, जगन्नाथ जी की कृपा से मैं आपके चरणों में आई, आपको कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। हमारे जितने भी हमारे क्षेत्र के हमारे विधायक हैं, जितने भी समाज सुधारक हैं, मैं सबको एक संदेशा देना चाहती हूँ, अपने क्षेत्र को मजबूत रखो, एकता रखो, और अच्छी वाणी रखो, क्षेत्र का अच्छा प्रसार दो, कोई प्रधान हो चाहे क्षेत्र पंचायत हो, जो जो है जड़ से हमारे यहाँ जो भगवान जी की, जगन्नाथ जी की जो है जो महिमा है, ये जगन्नाथ जी की जो भूमि है, यहाँ का प्रचार पर सही होना चाहिए, सत्य वचन होना चाहिए, असत्य की जीत कभी नहीं होनी चाहिए, सत्य की जीत होनी चाहिए, भगवान जगन्नाथ जी की जय।